हमें 91,125 का घनमूल याद करना है। तो ये 91,125 आखिरी में कितना है? आखिरी में 5 है। आखिरी में कितना है? 5। आखिरी में 5 है, यानी कि ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो इसमें 2 से नहीं जाएगा, तो फिर किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 का टेबल बोलो 9 आ जाए, 3 3 9। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, उसकी 0। देखो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, उसकी 0। फिर 2 अंक लेंगे एक साथ, 3 3 9। 11 में से 9 गए, 2 बचे, 2 इसको दिए तो 22 हो गए, 3 7 21। फिर 1 बचा इसको दिया, 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 3 9। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 पड़ोसी को दिया तो 11 हो गए, तो 11 हो गए तो 3 3 9 बचेंगे, 2 इसको दिए 22 हो गए, 3 7 21। 22 में से 21 गया पड़ोसी को, 1 दिया, 3 5 15। 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 3 9 3 3 9। 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, 2 इसको देंगे तो 22 हो जाएंगे, 3 7 21। 21 22 में से 21 गया तो 1 इसको दिया, 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 1 3 3 2 6 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। किससे? 5 से। 5 × 10 5×25। फिर 5 से 5×25 और 5 एकम 5। इस तरीके से ये हमारे इसके गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इनको, और इन्हें फिर अब हम लिख देते हैं, ठीक है। इन्हें हम यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 3 3 के 6, 1 2 3 4 5 6 5 5 के 3, 1 2 और ये 3। अब एक तो 3 ये बाहर निकल गया आपका, एक ग्रुप 3 का ग्रुप बनाना है, 3 3 के ग्रुप निकालना है। एक ग्रुप ये निकल गया इधर से, एक ग्रुप इधर से ये निकला, एक ग्रुप इधर से ये 5 का निकला। तो 3 दिया 9 और 9 5 45। इस तरीके से आपका 91,125 का घनमूल हुआ 45। दिस इज ए आंसर।